जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका मोबाइल फोन के अंदर रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, क्वाइल होता है, डायोड होता है, तो ये सब चीजों के बारे में मैंने आपको एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ट्रांजिस्टर के बारे में। आज मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में सिखाने वाला हूँ कि ये शायद मुझे लगता है 5th या 6th क्लास होगी। आप लोग बाकी यूट्यूब में देख लीजिएगा कि 5th या 6th क्लास होगी। दूसरी बात क्या है, मैंने नोट किया हुआ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे 6391711711 इस नंबर पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आज देखिए मैंने ये नोट किया हुआ है, ये मैंने सीखा हुआ है, वो मुझे अपने काम को करके दिखा रहे हैं। मुझे भी खुशी मिलती है कि कहीं ना कहीं अगर मैं कोई ऐसे नीडेड पर्सन है, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे अपने रिजल्ट को दिखा रहे हैं कि देखिए सर मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। वरना तो बस वही बैठ करके कहानी सुन रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ, अगर जब तक आप उसमें हाँ नहीं करेंगे तब तक मुझे ये नहीं समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो खेल चलता रहेगा। ऐसा नहीं चलने वाला। सबसे पहली बात है जब मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उस चीजों के बारे में आप प्रॉपर एक एक करके समझिए, सीखिए। कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझसे पूछिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपको उस चीज के बारे में बता सकूँ। मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या रहता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को लो हाई करता है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को लो हाई करता है। क्या काम करता है, सप्लाई को कम ज्यादा करता है, जो करंट होता है उस करंट को कम भी करता है और ज्यादा भी करता है। अब हम बात करेंगे रियल शेप की। ट्रांजिस्टर दिखने में कैसा होता है, ट्रांजिस्टर को हम मोबाइल फोन में देखेंगे तो उसको पहचानेंगे कैसे। ट्रांजिस्टर जो रहता है ब्लैक कलर का होता है, इसमें 3 पिनें पाई जाती हैं। ट्रांजिस्टर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसमें 3 पिनें पाई जाती हैं। 3 पिन का होता है, ब्लैक बॉडी का होता है। इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है क्यू होता है या सीबी होता है। अब बात करेंगे सिंबल की। ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है। इसकी एक पिन जो ये वाली पिन होती है इसे हम बोलते हैं बेस, एरो वाली को बोलते हैं इमिटर, इसे बोलते हैं कलेक्टर। बी का मतलब होता है बेस, सी का मतलब होता है कलेक्टर, टी का मतलब होता है इमिटर। बेस, कलेक्टर, इमिटर, ये ट्रांजिस्टर की हमारी क्या होती है, 3 पिन होती है। तीनों पिन के नाम होते हैं, मैं आपको इसको और भी डिटेल में बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को लो हाई करता है, सप्लाई को कम भी करता है और सप्लाई को ज्यादा भी करता है। ये 3 पिन का पाया जाता है, डिनोटिंग लेटर क्यू या टी होता है। ये इसका सिंबल होता है, बी का मतलब बेस, सी का मतलब कलेक्टर, ई का मतलब एमिटर। अब बात करेंगे, यह 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो पहला ट्रांजिस्टर होता है जिसे हम बोलते हैं एनपीएन, दूसरा ट्रांजिस्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीएनपी। एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। एनपीएन का मतलब क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। पीएनपी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब ये रहता है कि जिसमें 2 पोल्स निगेटिव होते हैं, 1 पॉजिटिव होता है, वो आपका एनपीएन में आता है। जिसके 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव होता है तो वो अपना क्या होता है, पीएनपी में आता है। इस चीज को जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमको चेक करने में इसका फर्क समझ में भी आता है। अब बात करेंगे वर्क। ट्रांजिस्टर का काम क्या रहता है, ट्रांजिस्टर का सबसे पहला काम जो रहता है वो होता है एम्पलीफिकेशन। ट्रांजिस्टर का पहला काम होता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है आवाज को घटाना बढ़ाना। जैसे आपने लोगों ने सुना होगा एम्पलीफायर का नाम सुना होगा। एम्पलीफायर क्या काम करता है, आपकी जो वॉइस आवाज होती है उसको क्या काम करता है, बढ़ाने का काम करता है या घटाने का काम करता है, जिससे बहुत बड़े बड़े डीजे साउंड वगैरह हम बजाते हैं। तो ये क्या काम करता है, जो लो सिग्नल होते हैं उनको बूस्ट कर देता है, हाई कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी आवाज बढ़ जाती है।
एम्पलीफिकेशन। आपका जब मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है, मोबाइल फोन में आप लोग क्या काम करते हैं, स्पीकर में बात करते हैं, लेकिन जब फोन को लाउड स्पीकर में कर देते हैं तो आवाज तेज हो जाती है, तो उसके अंदर एक आईसी लगी होती है, उस आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिल करके वो आईसी बनी होती है, वो आईसी क्या काम करती है, हमारे सिग्नल को बूस्ट कर देती है, जिससे हमारे आवाज क्या हो जाती है, वॉइस बढ़ जाती है, जिसे हम लोग एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। एम्पलीफिकेशन के बाद आपका आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि ये क्या काम करता है, सिग्नल को ऑसिलेशन करता है, इससे क्या रहता है कि हमारे वोल्टेज लो हाई होता है, लो हाई होने से क्या होता है, एसी पल्स जनरेट होती है, जब एसी पल्स जनरेट होगी तो हमारा एसी करंट उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात, अगर ये चीज आप देखेंगे तो आपके इन्वर्टर के अंदर होता है, इन्वर्टर क्या काम करता है, 12 वोल्ट डीसी लेता है, 12 वोल्ट डीसी को क्या काम करता है, 250 वोल्ट एसी बना देता है। कैसे बना देता जी, उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, डीसी वोल्टेज को ऑसिलेशन करते हैं और उसको क्या काम कर देते हैं, 250 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमें दे देते हैं। तीसरा काम होता है स्विचिंग का। स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ करना, किसी चीज को चालू करना या बंद करना, ये लिखा है स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब होता है चालू बंद करना। जैसे आप मोबाइल फोन में देखते होंगे, बटन दबा दिया लाइट बंद हो गई, पूरा फोन बंद हो गया, फिर बटन दबाया लाइट चालू हो गई, फोन चालू हो गया। इससे क्या रहता है, ये वोल्टेज को एक बार के लिए बंद कर देता है, फिर वोल्टेज को अप कर देता है, मतलब वोल्टेज को जीरो कर देगा, फिर हाई कर देगा, लो हाई लो हाई। इस काम को हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। उसके बाद चौथा काम होता है इसका मॉड्यूलेशन का। क्या काम होता है, मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन का मतलब जो रहता है वो सिग्नल को क्या काम करना, घटाना या बढ़ाना। इसी का उल्टा होता है डीमॉड्यूलेशन। दो डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है ये भी होता है, सिग्नल एक मतलब होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब सिग्नल को खींचना, डीमॉड्यूलेशन का मतलब सिग्नल को भेजना या सिग्नल को घटाना या बढ़ाना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर के क्या होते हैं, काम होते हैं। इस काम को और भी आप डीपली में देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। और मैंने आपको बताया, जैसे आपको कोई भी स्पेलिंग या कोई भी नाम आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको जो चीजें एक एक करके बोलता हूँ, अगर आपको लगता है इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही तो आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एम्पलीफिकेशन के बारे में लिखा है, ये ऑसिलेशन है, ये स्विचिंग है, ये मॉड्यूलेशन है, ये डीमॉड्यूलेशन है। अब हम बात करते हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में कि ट्रांजिस्टर को हम चेक कैसे करेंगे, फिर हम बोर्ड में सब प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। अब बात करते हैं टेस्टिंग, ट्रांजिस्टर को चेक कैसे करेंगे। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर सामने की पिन में वैल्यू शो करे तो के, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर सामने की दोनों पिन में वैल्यू शो करे तो ओके। फॉल्टी वैल्यू ना दे या बीप दे, तो खराब है। ट्रांजिस्टर को चेक करोगे तो सामने के दोनों पिनों में चेक करने पर वैल्यू देता है तो सही है, वैल्यू नहीं देता तो खराब है। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, मल्टीमीटर के एक पिन को ले लीजिए, एक पिन को आपने पकड़ लिया, उसको आपने यहाँ पर लगा दिया, फिर सामने के दोनों पिन को चेक किया, वैल्यू आएगी, नहीं आती तो आप इसको यहाँ पर लगा करके फिर चेक करिए, फिर नहीं आता तो फिर यहाँ पर चेक करिए, फिर भी नहीं आता तो पिन को पलट दीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं सिक्स वे टेस्टिंग बोलते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर की जो प्रॉपर टेस्टिंग होती है वो सिक्स वे टेस्टिंग की जाती है। सिक्स वे टेस्टिंग करने से हमको दो चीजें पता चलती है, एक तो बेस कलेक्टर इमीटर का पता चलता है, दूसरी बात आपको ये पता चलती है कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी है। लेकिन ये जो हमने आपको एक बेसिक सी टेस्टिंग बताई है, इस टेस्टिंग में क्या रहता है, आपको सही गलत का आइडिया लग जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि ट्रांजिस्टर हमारा सही है या खराब है। क्योंकि हम लोगों को बेसिक में थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए कि सही है खराब है, उसके बाद जब होता है तो फिर आगे डीप में जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर को मैंने बताया, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर सामने की दोनों पिनों में वैल्यू शो करे तो ओके, वैल्यू शो ना करे तो खराब है। अब देखिए मैं आपको इस बात को ट्रांजिस्टर को चेक कराता हूँ। इधर देखिए, ये हमारे पास मोबाइल फोन का बोर्ड है,
इस बोर्ड में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये देखेंगे ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये जूम करके दिखाइए सर को, ताकि सब लोगों को, स्टूडेंट को सही से समझ में आए। ये देखिए आपका 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको चारों तरफ से इसको घुमा करके दिखा रहा हूँ। इसमें देखेंगे एक पिन ये है और सामने के दोनों पिन ये हैं। अब हमने क्या करना है, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को मैंने आपके सामने रख दिया ऐसा, दिखाइए ताकि मल्टीमीटर भी दिखाई दे। अब मल्टीमीटर को हमने क्या करना है, बी पॉइंट पर सेट करना है। ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट किया। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। मल्टीमीटर में आप इस तरीके से सुई लगा लीजिए ताकि आपको चेक करने में आसानी रहेगी। अब आपने क्या करना है, ट्रांजिस्टर के एक पिन को यहाँ पर ऐसे रख लेना है, फिर सामने के दोनों पिन को ऐसे चेक किया, ये रीडिंग दे रहा है नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप इसे पलट दीजिए। दे रहा है, देखो ये रीडिंग दे रहा है ये नहीं दे रहा है, फिर से एक बार और पलट दीजिए, नहीं दे रहा है। हमने पॉजिटिव पिन को कॉमन मान करके चेक किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हम नेगेटिव पिन को कॉमन मान लेते हैं। फिर से भैया स्टार्ट करेंगे, वैल्यू आई, चली गई, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, सही है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर पिन कर मैंने रख करके चेक किया था तो ये वैल्यू आ रही थी आपकी। हमने इस पिन को यहाँ पर रखा, ऐसे चेक किया, ये वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब खराब है, इसका मतलब ये खराब है, ये वैल्यू आ रही सही, इसी वजह से नहीं मार किया, आ रही आ रही वैल्यू आ रही, क्योंकि अगर हम पिन को प्रॉपर टच नहीं करेंगे तो भी रीडिंग नहीं आएगी। हाँ, तो अगर चेक करने पर वैल्यू आएगी तो सही, देखिए वैल्यू आ रही, अगर चेक करने पर वैल्यू देता तो सही। अब देखिए कि ये लगा हुआ, इसे आपने चेक किया, ये देखिए वैल्यू दे रहा है, एक तरफ दे रहा है, हाँ तो वैल्यू दे रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ वैल्यू, हाँ अगर ये चेक करने पर बीप देने लगता है, क्या देने लगता है, बीप देने लगता है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट है। अब आप देखिए ये बोर्ड आ गया, इस बोर्ड में देखिए ये हमारा 3 टांगे लगी हैं, ये देखिए ये वैल्यू आ रही तो सही है, अगर वैल्यू दे रहा तो सही है, वैल्यू नहीं दे रहा तो खराब है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, अगर बीप देने पे ये हटा दिया जाए, मतलब बीप दे रहा खराब है तो हटा दे, हाँ अगर बीप दे रहा है तो खराब है और आप इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, तो चेंज कर देंगे, हाँ चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, किसी दूसरे बोर्ड से निकाल करके आप लगाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया हुआ है, तो आप सभी लोग क्या काम करिए, जो मैं आपको बोर्ड में एक एक करके प्रॉपर मैं आपको रिटेन में समझाता हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। अभी आप सभी लोगों के लिए इसकी वेबसाइट आने वाली है और एक इसकी ईटेक नाम की एप्लीकेशन आने वाली है। उन एप्लीकेशन के अंदर जो भी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें कोई परेशानी है नहीं सीख पा रहे हैं, कोई ऐसी कारण आती है, तो बेसिक लेवल की जो भी नॉलेज होती है वो उनको आराम से उनको मिल जाएगी, जिससे छोटा मोटा जो मोबाइल फोन का कमी आता है उसे आसानी के साथ में ठीक कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं। और अगर आपको एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि आप पूरा कम्प्लीटली सीखने के बाद अपना एक वर्क कर सकें और एक अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें। मोबाइल फोन रिपेयरिंग का आज ऐसा बिजनेस है कि कोई भी आदमी सीखने के बाद कहीं भी कर सकता है आराम से। ये मात्र 45 दिन का कोर्स रहता है, 45 दिन का कोर्स सीखने के बाद आप अपनी छोटी सी शॉप ओपन कर सकते हैं और आराम से आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जो ऐसे पर्सन है जो 10,000 15,000 20,000 या इससे कम नौकरी के लिए परेशान है, तो अपना काम सीखने और अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। और आजकल देखा जाए तो जॉब की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो हर एक आदमी यही सोचता है क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा कुछ काम सीख लूँ।
देखिए आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम तो आप बिना सीखे भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर वो परफेक्शन नहीं रहेगा। फिर आपके पास फोन आएंगे कहीं और जाके बनवाएंगे, आपके पास फोन आएंगे कहीं और जाके ठीक करवाएंगे, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? वो तो फिर आप किसी और के लिए काम करेंगे ना। तो ये जैसे मैं आपको एक एक करके क्लासेस चला रहा हूँ, जो आप सारे स्टूडेंट समझिए, सीखिए, कोई दिक्कत आती है तो ये अपना नंबर है 6391711711। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप करने के बाद ताकि मैं भी देखूं कि आप जो चीज़ें नोट कर रहे हैं मुझे दोबारा वापस भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे भी पता चलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। और आपके और भी जो ऐसे स्टूडेंट हैं, जो और भी फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो ऐसे पर्सन हैं जो लोग सीखना चाहते हैं या इस लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज मिलती रहनी चाहिए, ताकि मिले, ताकि वो ये समझ सकें कि इस काम को कितना आसानी से सीखा जा सकता है। अभी तो आपको ये बेसिक का टॉपिक चल रहा है कि आपको बेसिक का वन बाई वन करके वीडियो मिल रहा है, आगे चल करके अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल का वीडियो मिलेगा कि प्रैक्टिकल के अंदर पार्ट को चेंज करना, डिस्प्ले को चेंज करना, काम्बो बनाना, आईसी बदलना, आईसी को चेंज करना, वोल्टेज चेक करना या उसके अंदर आने वाले फॉल्ट को ढूंढना, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको वन बाई वन करके सारी जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।